मुसलमानों को आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और जो लोग मुसलमानों की आड़ में मुसलमानों को वर्ग लाते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा समझते हैं या मानते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, वो दरअसल मुसलमानों का ही नुकसान करवाते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम दिन में 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लाउड स्पीकर पे, तो पढ़ें, अच्छी बात है, पर शर्त है उनको ये करना चाहिए। वो उन पर डिपेंड करता है कि कितने दिन कर पाएंगे। जिनकी आवाज़ है पावरफुल है, जो लोग मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, उन पर हमले नहीं हो रहे। जो पसमानदा मुसलमान है उस पर हमले हो रहे, खासकर ओबीसी पे। नमस्कार, मैं हूं सकीना, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे भारत की फिज़ा के बारे में। भारत की फिज़ा में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों को लेके, हेट क्राइम की जो खबरें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी फैज़ल हैं, हम फैज़ल से इस बारे में बात करते हैं। फैज़ल, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, अगर हम यूपी इलेक्शन की बात करें तो यूपी इलेक्शन के समय से ही एक पोलराइजेशन का माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था। उसके बाद हिजाब का मुद्दा सामने आया, हलाल मीट का मुद्दा सामने आया, उसके बाद नवरात्रि में मीट की दुकानें जिस तरीके से बंद कराई गई, या उसके बाद JNU का मुद्दा सामने आया, उसके बाद मस्जिदों के बाहर जो मुद्दे सामने आए, तमाम देश के तकरीबन 10 राज्यों में मस्जिदों के बाहर DJ चलाया गया कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, और इसके बाद अब जो ताज़ा मुद्दा निकल के सामने आता है, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, जो महाराष्ट्र से शुरू होकर पूरे देश में पैर पसार रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मतलब मैं पर्सनली कहूँ तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि अगर वो 5 टाइम हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर करते हैं तो सही है, उनको करना चाहिए, संविधान का अधिकार है। सिर्फ मुसलमान का तुम्हारा अधिकार, मतलब हमारा अधिकार थोड़ी है कि हम 5 टाइम दिन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें, वही अधिकार उनको भी मिलता है, करें, अच्छी बात है, इसमें क्या है? आपको इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है कि अगर अजान के वक्त में हनुमान चालीसा चलाया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ से मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? मुसलमानों को आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और जो लोग मुसलमानों की आड़ में मुसलमानों को वर्ग लाते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा समझते हैं या मानते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, ऐसे तमाम नेता हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम एक्टिविस्ट हैं, वो दरअसल मुसलमानों का ही नुकसान करवाते हैं। एक बात बताइए, संविधान में मुसलमानों को अधिकार है कि हर किसी को अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ऐसी जो हिंदुओं को है। अगर वो चाहते हैं कि हम दिन में 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लाउड स्पीकर पे, तो पढ़ें, अच्छी बात है, पर शर्त है उनको ये करना चाहिए, वो उन पे डिपेंड करता है कि कितने दिन कर पाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान तो पिछले 14,000 साल से ये प्रैक्टिस करता आ रहा है 5 टाइम की, अब देखना है कि ये कितने दिन कर पाते हैं। तो अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई कम्युनल एंगल है ही नहीं। अगर जो कर रहा है वो मुसलमानों को वर्ग ला रहा है, मुसलमानों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा असल ये है कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चला दिया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में हिंसा होती है, पुलिस और जो दंगाई है, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो तलवारें लहरा रहे हैं, साथ में देखे जा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम जो CCTV फुटेज हैं और वीडियोस हैं वहाँ की, तमाम सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तमाम लोग उन वीडियोस को देख चुके हैं, तो सबके सामने, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, तो मसला वो है। तब भी उसके बाद भी कार्रवाई किस पे होती है, जिसका घर जला दिया गया, जिसकी दुकान जला दी गई, जिसको लूट लिया गया, उसी पर कार्रवाई। अगर वो दंगाइयों से, पुलिस के प्रताड़ना से बच जाते हैं किसी तरीके से, तो फिर सरकार आती है जो ऑफिशियली उनके घरों को ढा देती है। पर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही फैज़ल इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम किसी भी क्राइम का सपोर्ट नहीं करते हैं, आप अगर कोई क्रिमिनल है, उसने कुछ गलत किया है, तो उसको उसके जाति के आधार पे क्यों देखा जा रहा है कि अगर वो मुस्लिम है तो अगर वो उसने वो क्राइम नहीं भी किया है तो भी उसको सज़ा दी जा रही है, और अगर वो दूसरी कम्युनिटी से आता है तो कहीं कुछ कोई कहने वाला नहीं है, जुडिशरी भी बिल्कुल खामोश है इस टाइम पर। देखिए, मुसलमान अभी मुसलमान पे हमले किस पे हो रहा है, आप ये समझिए कि मुसलमान जिसकी लिंचिंग हो रही है, जिसका घर गिराया जा रहा है, और जो सड़क पर मारा जा रहा है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जिसको ठेला नहीं लगाने दिया जा रहा है, जिसकी गोश्त की दुकान बंद कर दी जा रही है, वो मुसलमान कौन है?
पहले इस बात को समझना होगा। वो मुसलमान वो है जो शोषित है, कमज़ोर है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, और जो मजबूत है जिसको हम अशराफ मुसलमान कहते हैं, जिनकी आवाज़ है पावरफुल है, जो लोग मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, उन पर हमले नहीं हो रहे। जो पसमानदा मुसलमान है उस पर हमले हो रहे, खासकर ओबीसी पे। लेकिन उनकी भी आवाज़, 80% जो मुस्लिम है वो ओबीसी में आता है, ये बात समझनी होगी। और जो पसमानदा मुसलमान है वही नाई का काम करता है, वही गोश्त का काम करता है, वही ठेला लगाता है, ठीक है। तो ये जो हमले हो रहे हैं उस पर हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी मुस्लिम नेता की इक्का दुक्का छोड़ के जितनी भी जमाते हैं कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। दूसरों से तो छोड़ दीजिए, अखिलेश हो, मायावती हो, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, उनसे तो छोड़ ही दीजिए। आपका उनसे कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद ही नहीं है। जो अपनी जमातें हैं, बड़ी बड़ी जमातें जो दावा करती है कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, वो लोग अपनी मतलब जो पोस्ट लिखते हैं या किसी भी तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, वो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने से डरते हैं, आप अंदाजा लगाइए। तो आपको क्या लगता है, अगर आप ओबीसी समाज के जो मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, अगर उन पे अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? कौन उनके हक और अधिकार के लिए खड़ा होगा? इस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है कुछ भगवाधारियों के ज़रिए से, जो उनकी उनकी भावनाओं को जिस तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है, या अजान के टाइम पर जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इनके पक्ष में तो कोई भी नहीं खड़ा है। अगर भारत की राजनीति की बात करें तो जो पार्टियाँ अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया, चाहे वो आप ओबीसी के मुसलमान की बात करें या किसी भी कास्ट से आते हैं मुसलमान के, लेकिन वो भी आवाज़ उठाने को तैयार क्यों नहीं होती हैं? सेक्युलर पार्टियां आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? सेक्युलर पार्टी का तो मैम छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो मुसलमानों के हक में या मुसलमानों का नाम भी लेते हैं तो उनका वोट बैंक कट जाएगा या उनकी पार्टी को नुकसान होगा, ये उनका ऐसा लग रहा है। आजकल जितनी भी तमाम जो सेक्युलर पार्टी हैं, पार्टी होने का दावा करती हैं, उनका पता क्या है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का की राजनीति कर रहे हैं। आज हर कोई मतलब हिंदू बन के दिखा रहा है। लेकिन फैजल, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर जगह से जो है आवाज़ें आ रही हैं, कुछ भगवा रंग पहन के लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं, लेकिन अगर हम बात करें हिंदू खतरे में हैं, जहाँ की 80% आबादी जो है हिंदुओं की है, और आपका प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति, आपकी जुडिशरी, आपका सब कुछ, DM से लेके, हम अगर तमाम सरकारी संस्थाओं की बात करें या सारे संवैधानिक पदों की भी बात करें, तो सब जगह हिंदू ही लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन फिर भी ये क्यों कहा जा रहा है? कुछ गरीब मुसलमानों को टारगेट करके, उनको परेशान करके, या उनके ठेले गिरा के, या उनकी बिरयानी की दुकानें तबाह करके, ये कहा जा रहा है? इतने गरीब मुसलमानों को टारगेट करके आप अपने आप को इतना बड़ा कैसे दिखा सकते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने गरीब और इतने जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, उनको टारगेट करके लोगों को क्या मिल रहा है? वो अपने आप को कैसे बड़ा दिखा सकते हैं? नहीं, और हिंदू कैसे खतरे में? अगर वो 80% हैं तो वो खतरे में वो हैं या मुसलमान खतरे में? ये तो मैं तो खुद सवाल करूंगा कि आप बताइए, किसी भी देश की या किसी भी कंट्री की जो लैंग्वेज के तौर पे माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, किसी भी तरीके की माइनॉरिटी हो, वो खतरे में रहेगी या जो मेजोरिटी है वो खतरे में रहेगी? ये तो माइनॉरिटी खतरे में रहेगी, ऑब्वियस है, क्योंकि उनकी तादाद कम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भ्रम फैला दिया गया है, ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है कि मुसलमान बढ़ रहा है, उसकी आबादी इतनी हो गई, इसके वो हर साल में या चार बीवी रखता है और 50 बच्चे पैदा करता है, तो आने वाले टाइम में कौन मुसलमान चार बीवी रख पा रहा है आज की महंगाई के जमाने में? मैडम, ये जो है, ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, आप कितने मुसलमानों को ऐसे जानते हैं कि जिन्होंने चार बीवियाँ रखी हैं? मेरे नॉलेज में तो एक भी नहीं है, या हम दुबई में थोड़ी रहते हैं। आजकल मैम महंगाई जितनी है, दुनिया भर के तमाम मसले हैं, ऐसे हालात में एक की बजाय दो बीवी रखना भी मैं समझता हूँ बहुत बहादुरी का काम है। अगर कोई ऐसा कर लेता है तो वो बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाला मर्द मतलब शख्स होगा। लेकिन बस वो ये प्रोपेगेंडा फैला हुआ है तो लोग यकीन कर लेते हैं, और यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि टॉप लीडरशिप जो है वो ये सब चीज़ कहती है। लेकिन मैं फैज़ल एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि ये एक सियासी प्रोपोगंडा है, या सियासत के लिए सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ लोगों को आगे लाया जाता है और प्रोजेक्ट किया जाता है कि आप इस तरीके से चीज़ें कीजिए, लोगों की भावनाओं को वो कीजिए, हिंदू वोट बैंक बढ़ता है इससे, या फिर आपको वाकई में लगता है कि जो हमारी दूसरी कम्यूनिटी, हिंदू कम्यूनिटी है, उनके जहन में वाकई में नफ़रत
बहुत अंदर तक भर दी गई है। ये देखिए मैडम, ये आज अचानक से नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम के दंगे 1800 से होते हुए आ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जब से ही होता आ रहा है, ये अचानक से एकदम से नहीं हुआ। आरएसएस ने इतना करा है कि वो अंदर अंदर उसने काम करा, 100 साल उसको तकरीबन होने वाले हैं, जिसका उसको आज फल मिल रहा है, और वो फल ऐसे मिला कि आज वो सत्ता में है, हर जगह वो काबिज हैं, तो इसलिए वो खुलकर बोल पा रहे हैं। कांग्रेस थी, कांग्रेस के ज़माने में भी ये सब होते थे। मैं तमाम ऐसे उंगली पे आपको इंसिडेंट गिना दूंगा जहां पर मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ दी गई, ट्रकों में भर के मुस्लिम नौजवानों को गोली मार के उसमें नदियों में डाल दिया गया, उस पर किसी ने नहीं बात करी, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी। लेकिन आज जब बीजेपी की बात करते हैं तो इसको फासिस्ट और फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, लेकिन ये चीज़ें पहले से होती आई है। पहले चूँकि एक चीज़ और, पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो जब गांव में या आसपास कहीं दंगे होते थे तो हम लोगों को नहीं पता चलता था। आज अगर कहीं किसी की लिंचिंग भी होती है तो वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चल जाता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन ये जो जहर, ये चीज़ें पहले से ही है, अब धीरे धीरे वो क्योंकि सरकार इनकी है, सब कुछ पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया गया है, तो अब ये खुल के बोल पा रहे हैं। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस आया, बाकी कांग्रेस जैसी थी, मुसलमान तब भी ऐसी हालत में थे और आज भी ऐसी हालत में, कोई बदलाव नहीं है। मैं मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी की अगर हम बात करें, या हम बाकी सारे स्वास्थ्य से शिक्षा की बात करें, तमाम सारे ऐसे मुद्दों की बात करें जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिन मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन सब मुद्दों पर बात ना करके आज पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हनुमान चालीसा वर्सेज अजान पर डिबेट कर रहा है, बड़ी बड़ी डिबेटें चल रही है उनके चैनलों में। आपको क्या लगता है कि आम हिंदू, अगर हम हिंदू कम्युनिटी की भी बात करें, तो उनकी ज़िंदगी में महंगाई, बेरोज़गारी, या उनके जो बच्चों का भविष्य है, उनको भी विदेशों में जाना है, चाहे वो हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या गल्फ़ कंट्रीज़ की भी बात करें, तो अगर उनको भी दूसरे देशों में जाना है, अगर वो अपना भविष्य खोजते हैं, चाहे वो IT प्रोफेशनल जाएँ या डॉक्टर जाएँ या इंजीनियर जाएँ, तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से भारत की छवि बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए भी एक खतरा है? बिल्कुल खतरा है इसका। देखिए आने वाले 10 से 15 सालों में इसके जो है नतीजे सामने आने लगेंगे। देखिए दो एग्जांपल दूंगा, हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं श्रीलंका, वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडे फैलाए गए, मस्जिदें पर बैन लगाना, बुरके पर बैन लगाना, मदरसों पर बैन लगाना, उनके खिलाफ हेट कैंपेनिंग करना, ठीक है, असल मुद्दों से भटकाकर, जो वहाँ के राष्ट्रपति राजपक्षे असल मुद्दों से भटकाकर मुसलमानों के खिलाफ ध्यान आकर्षित करा। मुसलमान क्या एक मोहरा है पूरी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या करा कि जी सरकार सही है, ठीक है ठीक है, अच्छे दिन, और ये हमारा ये है। पता चला कि अचानक से वहाँ पे लोगों को पता चला, अचानक से नहीं, ये सारी नाकामियाँ वो छिपा रहे थे, क्योंकि आर्थिक संकट उनका, इकोनॉमिक लगातार गिरती जा रही थी, तो वो मुसलमानों के जरिए इसको कवर कर रहे थे। लेकिन वही है कि सच्चाई दब नहीं सकती, उसका सामना आपको करना। श्रीलंका ने कह दिया कि हम वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुका नहीं सकते। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती जा रही थी, लेकिन वो ध्यान भटका रहा था मुसलमान। आज वहाँ पर क्या नारे लग रहे हैं पता आपको? सिंगली, तमिल, ईसाई और मुस्लिम भाई भाई, जो भारत में कभी लगते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उससे पहले वही लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे और उनको टारगेट करते थे। एक एग्जांपल ये हो गया आज श्रीलंका की हालत क्या है, क्योंकि उसने रियल इशूज से हट के मुसलमानों को टारगेट किया, या मतलब एक कम्युनल राजनीति या पॉलिटिक्स करी। दूसरी तरफ बर्मा का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, रोहिंग्या, वहाँ पर जो सरकार थी, वहाँ पर मिलिट्री द्वारा, सरकार द्वारा जो माइनॉरिटी थी, जो मुस्लिम थी, उनका नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, भगाया गया, बेघर कर दिया गया। आज वहाँ की भी हालत देख लीजिए, स्टेबल नहीं है रोहिंग्या। लेकिन अगर हम ये भगवाधारी, जो मैं भगवाधारी गुंडे ही कहूँगी, ये जो भगवाधारी हैं, चाहे बजरंग मुनि की बात करें, या जिस तरह का वीडियो आपने आज दिखाया कि पूर्वांचल से जो है हम शुरुआत करेंगे नरसंहार की, आपको क्या लगता है कि अगर ये वीडियोस जाती होंगी, सब जगह जाती होंगी, जो हिंदू कम्युनिटी भी है, जो अपने बच्चों का भविष्य देख रही है एजुकेशन में, बिजनेस में, इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भगवाकरण जो है, ये भगवा रंग सैफ्रॉन की अगर हम बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोनॉमी के आगे ये रंग ही सब कुछ है?
हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और उनकी मर्जी के बिना ये मुमकिन भी नहीं है कि उनको भगवा रंग, जो एक धार्मिक रंग है, प्रतीक है, लोगों का मानना है, आस्था है उसमें, उसको किस तरीके से दुनिया में पहुंचाया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी बहुत नेगेटिव इमेज बन रही है, नेगेटिव इमेज जा रही है, ये इन लोगों को ही सोचना होगा। क्योंकि जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कुछ वोट के लिए, समझ रहे हैं, कुछ वोट पाने के लिए, कुछ दिन की सत्ता के लिए इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जो इमेज जा रही है, जो भारतीय बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियन मीडिया ने मुसलमानों की इमेज बनाई थी, और फिर मुसलमानों के बाहर जो हमले होने शुरू हुए थे, आप समझिए कि अमेरिका, कनाडा जैसी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, अगर मुसलमान वहाँ पर दिख गया दुकान चलाते हुए तो उन पर भी हमले हो रहे थे। तो यही चीज़ें सब इनको फेस करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे मोहन भागवत कहते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में हम अखंड भारत बना देंगे, और इसके बीच में जो आएगा वो कुचला जाएगा, तो वो मिट जाएगा या मिटा दिया जाएगा, मिटा देंगे। तो आप स्पष्ट कर लीजिए कि आपको, पहली बात तो अखंड भारत बनेगा तो ये कंधार से और तुम्हारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तमाम कंट्री जो है शामिल, भूटान वगैरह, तो आप लगा लीजिए भारत में जो है मुसलमान, एक तरफ जो यहाँ RSS है या इससे जो एफिलिएटेड संगठन है VHP बजरंग दल, कहते हैं खुलेआम, लेकिन फैजल, दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। दूसरी तरफ आप अखंड भारत बनाने की बात करते हैं तो आप समझिए पाकिस्तान की जनसंख्या 15-20 करोड़ है, भारत में ऑलरेडी 20 करोड़ है, बांग्लादेश की लगा लीजिए 5-7 करोड़, अफगानिस्तान की लगा लीजिए 4 करोड़, तो कुल मिला के तो 50 करोड़ मुसलमान आप ऑलरेडी ले आए अंदर। एक तरफ आप भगाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप अखंड भारत, तो अखंड भारत बनाने का ये सिर्फ एक सगुफा है और रियल इश्यूज से भटकाने के लिए। पर फैजल मैं ये कहना चाहूंगी, जब 2014 में मोदी जी आए थे, जो एक विजन लेके आए थे सबका साथ सबका विकास, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है, जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी सिचुएशन है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब हमारी GDP 9% के आसपास कुछ थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इससे बहुत बेहतर होना चाहिए, हमें तकरीबन चाइना के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर हम उस टाइम पे, हमें लगता था नहीं, मोदी जी आए हैं और हमने वोट दिया, मैं भी मुस्लिम हूँ और कई मुस्लिम लोगों ने भी वोट दिया, मोदी जी को सपोर्ट किया कि अब हम बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, अब हमारी कंट्री जो है दुनिया में वो मुकाम हासिल करेगी जिसके लिए हम लोग अभी तक जो चीज़ें हम देख ही नहीं पाए, इतना विजन वो लेके आए थे, जो उन्होंने बात कही कि मैं रुपया नहीं गिरने दूंगा या मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जिस तरीके से वो डॉलर से इंडियन रुपीस को कंपेयर करते थे या फिर देश की बात करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर हम अपनी GDP की बात करें तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हम ये सोचते थे कि हम चाइना को टक्कर देंगे, हम फ्रांस को टक्कर देंगे, हम जापान को टक्कर देंगे, और कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि दुनिया में भारत का नाम होगा। लेकिन आज एक रंग के पीछे या एक रिलीजन के पीछे या एक 20 करोड़ की आबादी के पीछे आपका विजन क्या यही था? इतनी सीमित सोच, इतना छोटा विजन, मतलब जो 2014 का विजन था और 2022 में अगर हम बात करें तो उस बीच का दौरान अगर हम देख लें, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन को अगर हम देख लें, तो मतलब वो चीज़ें फेक थी या आज जो हो रहा है ये ओरिजिनल है? मुझे तो समझिए, आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी बड़ी होनी चाहिए या रिलीजन बड़ा होना चाहिए? मतलब भारत जो दुनिया में अपना नाम कमाएगा, अपनी पहचान कमाएगा, वो इकोनॉमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाएगा या सिर्फ एक रिलीजन से, जहाँ पे इकोनॉमी कोई मायने नहीं रखती, जहाँ एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ कुछ भी मायने नहीं रखता है, सिर्फ एक और एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है आपका रिलीजन, वो है सैफ्रॉन रंग। देखिए मैडम, धर्म के नाम पर मैंने अभी आपको दो एग्जाम्पल दिए, 2-3, पाकिस्तान और बर्मा और ये श्रीलंका, उनकी हालत क्या हुई। अब बात करते हैं, देखिए किसी भी देश को अगर मजबूत होना है तो उसकी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, और वो कैसे होगी, जब तक उसका नागरिक सबसे वो खुद सस्टेनेबल नहीं बनेगा, अपने इतना मजबूत ना हो जाए कि वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे, यानी कि आर्थिक तौर पर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक कोई देश मजबूत नहीं होता। आज क्या है, आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है BPL कार्ड धारक है, जो बिलो पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। और आज देखिए पूरा जो निज़ाम है ना, आज का जो पूरा सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी जो है सिस्टम ला दिया गया है भारत, अडानी अंबानी का भारत। अडानी की पिछले 6 महीने में
6 गुना ज्यादा उसकी इनकम बढ़ जाती है। 700 करोड़ कुछ रुपए उनकी डेली की इनकम है। हाँ, 700 करोड़ कुछ डेली की इनकम है, 6 महीने में वो इतने अमीर हो जाते हैं, मतलब 6 महीने की इनकम उनकी इतनी हो जाती है कि जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं जेफ बेजोस वगैरह, इनसे भी ज़्यादा उनकी इनकम हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि सारा पैसा जो है ना, वो जो बटना चाहिए था पूरी जनता में, वो पैसा इकट्ठा होकर एक जगह जा रहा है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम में या भारत के भविष्य के लिए, भारत के बच्चों के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी लोगों के हाथ में जा रहा है, हाथों में जा रहा है। मतलब जो बीजेपी सपोर्टर होते हैं या जो इस तरह की राइट विंग वाले होते हैं, वो कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में इतना टैक्स दिया जाता है, इतना टैक्स दिया जाता है, जब GST आया था और ये तुम्हारा नोटबंदी हुई थी तब ये तमाम सवाल उठे थे, लेकिन उनको नहीं पता अगर हम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 50% भी अगर टैक्स है तो वहाँ पर गवर्नमेंट की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि ग्रेजुएशन तक, मास्टर तक, जो स्कूल की शिक्षा है स्टूडेंट की, बच्चों की, वो पूरा सरकार उठाती है। अच्छा फैज़ल, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी कि बीजेपी में एक नया मंत्रिमंडल कह लीजिए, एक नया वो बना है, फिल्म इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं जो है एक नई चीज़ आई है, कश्मीर फाइल्स के बाद जो है एक नया प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, जिसके बारे में विवेक अग्निहोत्री ने भी बताया और अनुपम खेर साहब ने भी ट्वीट किया कि अगली जो फिल्म होगी वो दिल्ली फाइल्स होगी, जो सिख दंगों पर होगी 1984 के। कांग्रेस की सरकार चली गई पंजाब से, कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ 2 राज्यों में है, कांग्रेस इस टाइम पे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस को लेके ही चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली फाइल्स है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ही इशारा करती हैं, या अब इस फिल्म के ज़रिए क्या नया प्रोजेक्शन तैयार किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कांग्रेस को देखिए, मोदी जी ने जो नारा दिया था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, तो वही होता दिख रहा है। आज ये सिमट के 2 जगह आ गए, सिर्फ 2 स्टेट में बचे हैं और ये भी इनके हाथ से निकल ही जाएगा जल्दी, कोई देर नहीं लगेगी। तो इसके पीछे कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये इसकी जो ये हालत है, कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने खुद एक्सेप्ट करा था कि उनकी पार्टी में RSS के स्लीपर सेल्स मौजूद थे और जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, जो आना चाहे वो आ सकते हैं। कांग्रेस ही थी जब BJP और RSS बढ़ रही थी, पनप रही थी, इन्हीं लोगों ने इनको पनपने दिया, बढ़ने दिया, तो उसका नतीजा आज ये काट रहे हैं, भुगत रहे हैं और भुगतने दीजिए, छोड़िए वो अपनी बात कुछ कहें। बात करते हैं जो ये दिल्ली फाइल्स आ रही है, अब इसको भी कश्मीर फाइल्स की तरह प्रोजेक्ट और प्रमोट किया जाएगा? बिल्कुल उसी की तरह, 2024 की तैयारी। हाँ बिल्कुल, 2024 पे इसी को ऐसे बुलाया जाएगा। 12 लोकसभा की सीटें आती हैं पंजाब से। बिल्कुल, पंजाब में BJP का कुछ है नहीं, वहाँ पे जमीनी हकीकत कुछ है नहीं, कदुक्का 2-3 MLA जीतते हैं, तो इसीलिए उनको लगता है कांग्रेस ने, इसने आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पर बढ़त बनाई है, तो इनको लगता है कि वो बढ़त हमें मिलनी चाहिए थी, जिसको ये 2024 में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से पैंतरे आजमा रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र इनके पास नहीं है, 2019 में महाराष्ट्र इनके पास था, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि छोटे छोटे राज्यों में, पंजाब दिल्ली में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ये 2024 की तैयारी है लोकसभा सीटों को गठजोड़ करने के लिए? हो भी सकता है, क्योंकि देखिए मोदी जी या BJP या RSS की जो स्ट्रेटजी होती है ना, जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे बहुत आगे की होती है, बट जनता के मुद्दों की नहीं होती। जनता के, उनको पता है कि हमें सत्ता में कैसे आना है, इसीलिए वो ऐसे टॉपिक या ऐसे मुद्दे या ऐसा डिस्कोर्स खड़ा करते हैं सेम उसी टाइम पे, ताकि उनको फायदा मिले, और मिलता है। यूपी चुनाव में आपने देखा, कर्नाटक में हिजाब वाला इशू हुआ, इम्पैक्ट पड़ा यूपी चुनाव में और तमाम राज्यों में। तो चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एक जगह से दूसरी जगह बात पहुँचने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए BJP को पता है कि कब कौन से इश्यूज़ को खड़ा करना है और किस तरीके से उसका फ़ायदा लेना है, तो ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जबकि जो तमाम लोकल पार्टीज़ हैं या कांग्रेस हैं वो इन चीज़ों को नहीं जान पाते, अभी उस तरीके से स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। इन लोगों को यही नहीं पता कि इनकी पार्टी में जो लोग हैं वो असल में किसके लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो खुद तमाम, उसने बहुजन पार्टीज़ को बर्बाद कर दिया, हरवा दिया, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, वो उनको ही नहीं पहचान पाए कि कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाफ है, तो उनकी राजनीति फिर कितनी मजबूत है आप समझ सकते हैं।
देखा आपने, फैजल ने अपनी सारी बात रखी, अपनी राय रखी, हमने बात की जिस तरीके से मुसलमानों पे जो हेट क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जो नया भी एक मुद्दा सामने प्रोजेक्ट कर दिया गया है, दिल्ली फाइल्स, अब कहीं ना कहीं हमारी नेशनल मीडिया दिल्ली फाइल्स को प्रमोट और प्रोजेक्ट करने में लग जाएगी। तो आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएँ और नेशनल दस्तक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।